अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी ठीक हूँ और गुड मॉर्निंग हो गई है। और गुड मॉर्निंग में आज हुआ मेरे साथ ये है कि मैं डेली ये प्लान करती हूँ कि मैंने सुबह जाना है कोर्ट, लेकिन जब सुबह मैं उठती हूँ तो मेरी नीयत हो जाती है ख़राब, जिसकी वजह से मैं अपने किसी कलीग को कह के और अपनी केसेस जो हैं उनकी नेक्स्ट ट्रेनिंग ले लेती हूँ और खुद मैं नहीं जाती। लेकिन आज फराज साहब जो हैं वो इस बात के ऊपर बहुत शदीद किस्म के डिटरमिन थे कि मैंने इसको कोर्ट भेजना ही भेजना है। और उस चक्कर में ये बंदा जो है ये अभी 8:30 हुए हैं और ये जागे में और कह रहे हैं कि मैंने इसको भेज के ही छोड़ना है। तो मैंने कहा इनके अजाइम बड़े ख़तरनाक किस्म के हैं, तो फटाफट उठ के और मैं फ्रेश फ्रूश होके और यूनिफॉर्म वेयर करूँ और चुपचाप अपनी इज्जत बचाऊँ और कोर्ट चली जाऊँ। तो बस मैं जा रही हूँ अब कोर्ट, तो फ्रेश होके आपसे मिलती हूँ। ये देखिए अपनी तरह से ना तैयार होके वापस आ रही है और जो मैंने ज़बरदस्ती से तैयार किया हुआ है कोर्ट के लिए, हालांकि इसकी शक्ल लग नहीं रही है किसी तरह से कोर्ट में जाने के लिए, लेकिन ये देना सिर्फ ड्रामे कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है रस्ते में इसने फुटा मारना है, जैसे बच्चे स्कूल से फुटा मारते हैं, ठीक है, और इसने कहीं और चले जाना रोटी छोटी खाने। यहाँ से मैंने उसके भी जो है वो बोंग पाए और जो है वो नान शान तो खिलाए हैं, इसका पता कोई नहीं बाहर जाकर नान ही नीम खा लें, वो भी मार्टन कचहरी के पास जाके, पता भी कोई नहीं इसका। क्यों मैं क्यों भरूँ, जाके कोर्ट जा रही, पता लगे कि यार पोतने ही भरने वाली है। मेरे ख्याल मेरी बात सुनो, बेटी है जितनी मर्जी बना लो, बेटी जितनी मर्जी बना लो, घर के सारे काम करती है। चल ना जा, तेरी बड़ी मेहरबानी। जाने से पहले मैं अभी जा रही हूँ ऊपर मुरिया का पता करने, उस बेचारी को ना कल से फीवर है और फीवर इस वजह से हुआ है कि हमारे घर के सामने जो घर है ना वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी छोटी बच्ची वो गुम हो गई थी, और उसका पता करने के लिए जब ये लोग गए हैं तो वहाँ थोड़ी देर बैठने के बाद वो बच्ची मिल गई, और जब वो घर आई है तो उसके फादर ने उसको डांटा है। वो डांट सुन के वो हमारी गुड़िया जो है ना वो परेशान हुई है और उसको फीवर हो गया। मैं जा रही हूँ उसका पता करने कि अब उसकी कैसी कंडीशन है। और ये देखें ये ब्रेड खा रही है। मैं भी कह रही हूँ मुझे सुबह सुबह भूख क्यों लग रही है इस वजह से। गुड़िया कैसी तबीयत है अब? दर्द है ना, तो जूस पी के दवाई ले ली है। अच्छा, ये इसकी मेडिसिन रखी हुई है और अब बस ये ब्रेड खाएगी। और फेस के ऊपर ये देखें इसकी, इसका फेस सारा चाट के गई हुई है बिल्लियाँ। और तैबा मैडम सो रही हैं। अच्छा अभी अभी उठी है ना, इसलिए तैबा मेरी तरह बिल्कुल फुल लेजी हुई हुई है कि ना ही उठना पड़े किसी तरह से। रुको जरा, सबर करो। जो बंदा सारी रात जागा हो और उसने सारी रात जाग के मोबाइल पे या लैपटॉप पे अपना काम किया हो, तभी आपको वो सुबह के टाइम इतना फ्रेश नजर आएगा। लेकिन सिर्फ वो बंदा आपको इतना फ्रेश नज़र आएगा जिसने कुछ सोचा हुआ हो, और ये वही इंसान है जिसने मुझे घर से बाहर कोर्ट भेजने का सोचा हुआ है। और ये जो फ़ैन है ना ये वाला ऑन ही नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बाथरूम में बहुत ज़्यादा सफोकेशन सी फील हो रही है। लेकिन चलें कोई नहीं, एक फ़ैन चल रहा है, बाकी कूलिंग भी है तो चल जाएगा काम। घर में कोई भी नहीं है, आशी गई हुई अम्मी की तरफ, और मुझे भी इनविटेशन आया था कि मैं उधर आ जाऊँ, लेकिन मेरा थोड़ा काम शाम था इसलिए मैं नहीं गई हूँ।
तो मैंने ये सोचा कि उनके आने से पहले पहले मैं रात का खाना जो है वो रेडी कर लूँ, और खाना मुझे इतना ज़्यादा बनाना नहीं आता। मेरे पास बॉयल्ड ब्लैक चने हैं, तो मैं ये सोच, मैंने बहुत ज़्यादा रेसिपीज नेट पर सर्च की कि कोई इसकी मुझे मिल जाए यूट्यूब पर, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। फिर मैंने ये सोचा कि मैं खुद से ही कुछ ट्राई करती हूँ, अपना दिमाग इस्तेमाल करके कोई रेसिपी नई क्रिएट करती हूँ। तो उसके लिए मैंने प्याज, टमाटर और लहसुन, इसको पहले मैंने अच्छे से फ्राई करके ना थोड़ा सौदे करके, तो इसको मैं कर लूँगी ग्राइंड। ग्राइंड करने के बाद फिर बताती हूँ। थोड़ा सौदे करने के बाद मैंने कर लिया थोड़ा सा ठंडा इस सारे मिक्सचर को, और ठंडा करने के बाद अब मैं इसको करूँगी ग्राइंड। कर दिया इसके अंदर कन्वर्ट। ये करने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा करूँगी, क्या कहते हैं इसको, फ्राई करना। इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी और उसके बाद इसके अंदर डालूँगी थोड़े से मसाले। और मसालों में मैं डालूंगी, सबसे पहले इसके अंदर जाएगा ज़ीरा। ज़ीरे की खुशबू मुझे इतनी पसंद है ना। उसके बाद डालूंगी इसके अंदर मैं धनिया, पता नहीं धनिया डालते हैं या नहीं डालते, लेकिन मैं डाल रही हूँ। उसके बाद इसमें डालती हूँ मैं और मिर्चें। वैसे इसके अंदर ना मुझे ग्रीन चिली डालनी चाहिए, हाँ वो डालती हूँ। और हल्दी, और नमक, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा घी और ऐड करती हूँ। करके इसको करती हूँ मिक्स। आज और कुछ होना हो, कुछ ना कुछ तो रेडी हो गई पक्के। लेकिन ना ये इसकी पकाई के चक्कर में ना ये अब छींटे उड़ रही हैं, इसका क्या करूँ। मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करती हूँ ताकि जो मसाले हैं वो कच्चे ना रह जाएं। जितनी देर तक अब ये मसाला जो है वो भून रहा है, उतनी देर में मैं ऐसा करती हूँ कि मैं बना लेती हूँ परात साहब के लिए कुछ वो खट्टे चने, उनको वो बना के दे देती हूँ। और उसके लिए मैं पहले डालूँगी चने, चने चने चने, और उसके बाद बाकी की सारी चीज़ें। और ये मसाले ने ये देखे हैं, अब कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दी है, और चनों ने बस मैं थोड़ी देर इसको इसके अंदर फ्राई करके मिक्स करके, और फिर इसमें डाल दूँगी पानी, और पॉप सो के ये अच्छे ही बने होंगे। ऐसे तो अब ये इस फॉर्म में भी खाए जा सकते हैं टेस्ट, क्योंकि इसका सही है। लेकिन अगर कोई कहेगा, मतलब घर वाले कहेंगे, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा बॉयल करके वाटर ऐड कर दूंगी और उसको थोड़ा सा पका दूंगी, तो वो शोरबे वाले काले चने बन जाएंगे। अभी ये बने हैं ड्राई वाले काले चने।
है बस आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। अपना अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुश रखिए, खुशियाँ बांटिए और हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।